और डार्क वेब एक प्रतीक मतलब रेफ्रिजरेंट के वाष्पीकरण की रूप ऊष्मा क्या हो कम होगी, पहला है डिक्रीज बेहद गिर जाती है, फिर दूसरा है बढ़ती है, अनचेंज अपरिवर्तित रहती है, और डी है अन्य कारकों पर निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा डी सॉरी बी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, जैसे क्वेश्चन दिया ना निम्न ताप और दाब पर, जब तापमान भी कम हो और दाब भी कम हो तो रेफ्रिजरेंट के वाष्पीकरण की रूप ऊष्मा क्या होगी। जब तापमान कम होता है और दाब कम होता है तो ये क्या करता है, ये आपका जो है खाद्य पदार्थ होते हैं उससे क्या करता है, ऊष्मा अवशोषित करता है वाष्पित्र में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, जब ऊष्मा अवशोषित करता है तो उसका वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण ऊष्मा क्या होगी यहाँ पे बढ़ जाएगी। देखो इसका यहाँ पे एक कंक्लूजन भी दिया हुआ है, हालांकि कंक्लूजन बहुत स्पष्ट नहीं लिखा है क्या है दिया हुआ है, इसमें निम्न ताप और दाब पर एक प्रशीतक के वाष्पीकरण की ऊष्मा बढ़ती है, प्रतीतक सिस्टम में प्रतीतक इवेपोरेटर द्वारा ऊष्मा प्राप्त करता है और प्रतीतक सिस्टम से प्रतीतक कंडेंसर द्वारा ऊष्मा को निष्कासित करता है। वही चीज जो मैंने बताया है ना शॉर्ट में दे दिया हुआ है, जैसे आप इतना तो जानते हैं प्रतीतक जो होता है रेफ्रिजरेंट ऊष्मा कहाँ से उत्पन्न करता है, इवेपोरेटर से, वहीं से ऊष्मा अवशोषित करके खाद्य पदार्थों से ऊष्मा ले करके वो क्या होगा इवेपोरेट होगा वाष्पीकृत होगा। तो जब कम ताप और कम दाब, कम ताप और कम दाब कहाँ पे होता है, जब वो विस्तार वाल्व से निकलता है, विस्तार वाल्व से निकल के वो कहाँ जाता है वाष्पीकृत में जाता है, जहाँ पे उसका वो खाद्य पदार्थों से ऊष्मा अवशोषित करता है वाष्पीकृत हो जाता है। तो यही पे वाष्पीकरण की ऊष्मा क्या होगी बढ़ जाएगी, अगर वाष्पीकरण की ऊष्मा बढ़ेगी नहीं तो हमारा जो प्रतीतक है वो वाष्पीकृत जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है 99वां क्वेश्चन कह रहा है अंतरक्षण कक्ष की तुलना में प्रशीतन इकाई संपीड़क के चूषण पाइप का व्यास होता है, सक्शन पाइप डायमीटर ऑफ रेफ्रिजरेटिंग यूनिट, सक्शन पाइप डायमीटर ऑफ रेफ्रिजरेटिंग यूनिट कंप्रेसर इन कंप्रेशन डिग्री की साइड इज, यहाँ पे क्या होगा, जैसे क्वेश्चन ये दिया है कि जब कंप्रेसर कंप्रेसर में जो प्रतीतक जाता है तो जहाँ से वो इंटर करता है उसको जो है प्रवेश द्वार कहेंगे, और जहाँ से निकल के वो कंडेंसर में संघनित में जाता है उसको निकास द्वार। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि संपीड़क में जो आपका डायमीटर है सक्शन पाइप का, जहाँ से वो रेफ्रिजरेंट को ले रहा है यानी प्रवेश द्वार, ठीक है, प्रवेश द्वार के सापेक्ष जो उसका निकास द्वार है उसका डायमीटर, डायमीटर का मतलब क्या होगा, क्या कहते हैं हिंदी में उसको व्यास कहते हैं, ठीक है। तो उसका व्यास क्या होगा, मतलब प्रवेश द्वार का जो व्यास है उसके सापेक्ष निकास द्वार का व्यास क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब कंप्रेस करना होता है तब तो उसका जो द्वार होता है वो छोटा होता है, एरिया उसकी कम रहेगी जिससे कि उसका ताप और दाब नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब उसको निकालना होता है तो वहां पे जो है उसका दाब क्या होगा कंपैरेटिवली जो है प्रवेश द्वार से ज्यादा होगा। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन फिगर, हाँ पहला ऑप्शन होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा, ये जो है आपका प्रवेश जो द्वार है जिसको हम चूषण पाइप कह रहे हैं उसका में आप क्या हुआ, देखो यहाँ अंतरक्ष पक्ष डिलीवरी साइड की तुलना में प्रशीतन इकाई की तुलना में प्रशीतन इकाई संपीड़क के चूषण पाइप का व्यास बड़ा होता है, लेकिन इसमें होता ही है डिलीवरी साइड की तुलना में, नहीं ये उल्टा लग रहा है, वायु रेफ्रिजरेशन सिस्टम अधिकतर रेवेन्यू पार्ट
ये यहाँ पे जो डिलीवरी साइड होगा, डिलीवरी साइड का जो साइड होगा वो चूषण की साइड से बड़ा होगा, ठीक है। इसको उल्टा दे दिया हमने, फिर उसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन क्या रहा है, एक गैस प्लांट में तरल से भरे वाष्पित्र की तुलना में सूखे वाष्पित्र यंत्र में प्रतिशत का प्रभाव होता है कम होगा। सीधी सी बात है भाई, अगर कोई वाष्पित्र है उसमें तरल भरा हुआ है और दूसरे में जो है सूखा, मतलब वो भरा हुआ है, मतलब सूखा है, मतलब एक वाष्पित्र तरल से भरा वाष्पित्र और दूसरा सूखा वाष्पित्र है, तो सूखे वाष्पित्र का प्रतिशत प्रभाव तरल वाले से क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो तरल है, तरल मतलब रेफ्रिजरेंट है, वही ना ऊष्मा को अवशोषित करेगा और जब वाष्पित्र सूखा रहेगा तो किसको अवशोषित करेगा, किस ऊष्मा को, तो यहाँ प्रसीतन प्रभाव क्या हो जाएगा, सूखे सूखे वाले वाष्पित्र का कम हो जाएगा तरल वाले वाष्पित्र की अपेक्षा, ठीक। फिर उसके बाद 101वां क्वेश्चन है, किसी एक प्रसीतक में संघनन तापमान गैस का तापमान होता है, क्या दिया है, कंडेंसिंग टेंपरेचर इन अ रेफ्रिजरेटर इज द टेंपरेचर, तो ये किसका होगा, हिमीकरण के क्षेत्र का, संपीड़न का, नहीं जिस पर शीतलन तरल में बदल जाता है, यही है शीतलन माध्यम का, सी होगा इसका। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो संघनित है उसके तापमान, किसी एक प्रसीतक में संघनन तापमान गैस का तापमान, कंडेंसिंग टेंपरेचर इन अ रेफ्रिजरेटर इज द टेंपरेचर, तो ये किसका तापमान होता है, जो संघनित होता है कंडेंसर, वहां पे जो तापमान होता है वो किस तरह का तापमान होता है, तो यह एक ऐसा तापमान होता है जिस पर शीतलक जो है मतलब रेफ्रिजरेंट तरल में बदल जाता है, पुनः उसका क्या होता है, संघनन होता है, तो यह जो है एक ऐसा तापमान होता है, संघनित का जो तापमान है एक ऐसा तापमान है जिस पे हमारा जो प्रसीतक है मतलब रेफ्रिजरेंट है वो क्या होता है, पुनः अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक 102वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसीतक में वाष्पित्र पर ठंड बर्फ का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन इवेपोरेटर इन रेफ्रिजरेटर इज एसेंशियल टू एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी अवॉइडेड विद प्रॉपर इसका ऑप्शन डी होगा। देखो क्वेश्चन क्या था, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन हिंदी में जैसे क्लियर नहीं होता है, तो अगर इस तरह का होगा तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो जरूर इंग्लिश भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर जो वाष्पित्र हमारा है इवेपोरेटर, अगर उसके ऊपर क्या हो जाए, एक बर्फ का निर्माण, मतलब उसके चारों ओर अगर हम बर्फ का निर्माण कर ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, तो सीधी सी बात है वाष्पित्र में जो प्रसीतक है उसका तापमान और दाब दोनों कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कि जैसे वाष्पित्र के चारों ओर जो है बर्फ, तो बर्फ होने से क्या होता है कि प्रतीतक वाष्पित्र प्रतीतक में वाष्पित्र में प्रतीतक का काम क्या होता है, खाद्य पदार्थों से उसमें अवशोषित कर लेना, यही होता है ना, खाद्य पदार्थों से उसमें अवशोषित कर लेना। लेकिन जब अच्छा ऊष्मा का ट्रांसफर कैसे होता है, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा का वो होता है क्या नाम है, प्रसार होता है भाई, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है, यही ना होता है, लो से तो हाई होगा नहीं। तो यहाँ पे जब इसके चारों ओर अगर बर्फ को जमा कर दिया जाएगा या बर्फ को जमा दिया जाएगा तो इसका तापमान और कम हो जाएगा, और तापमान कम होने के कारण यह खाद्य पदार्थों से जितना पहले ऊष्मा लेता था उसके कंपैरिजन में अब ये क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण कम करेगा, ठीक है। जो वाष्पित्र होगा, जैसे पहले जब बर्फ नहीं इसके चारों ओर था तो जितना ऊष्मा का अवशोषण कर लेता था उसके कंपैरिजन में अब जो है वाष्पित्र उतना
नाम सूचन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, टी। ऑप्शन क्या होगा, टी। कमजोर ऊष्मा हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप ऊष्मा की हानि। फिर उसके बाद शीतलक प्रणाली के प्रदर्शन गुणांक सीओपी, तो ये तो आराम से निकाल लेंगे क्या होता है इसका जो प्रभाव सीओपी को निम्नलिखित प्रभावित करते हैं। तो सीओपी निष्पादन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिकर प्रभाव घटा किया गया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है, प्रणाली का प्रणाली द्वारा उत्पादित ऊष्मा के लिए ये आपूर्ति कार्य का अनुपात, प्रणाली द्वारा उत्पादित ऊष्मा के लिए आपूर्ति कार्य का अनुपात। फिर क्या दिया हुआ है, आपूर्ति कार्य के लिए प्रणाली में उत्पादित ऊष्मा का अंतर, आपूर्ति कार्य के लिए प्रणाली में अवशोषित ऊष्मा का अनुपात, आपूर्ति कार्य के लिए प्रणाली में अवशोषित ऊष्मा का अनुपात। क्या ए और डी में कंफ्यूजन है, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ वर्क सप्लाइड टू द हीट, नहीं ए नहीं है, डी होगा। द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन अ सिस्टम टू वर्क सप्लाई, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। फिर उसके बाद पांचवा देखिए, 105वां, एक आदर्श ब्रेटन प्रशीतक प्रशीतन चक्र में प्रशीतक। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेटन साइकिल की बात कर रहा है। अब ब्रेटन साइकिल में ये कितना यूज करते थे, एयर उसमें क्या नाम है, एयर प्रशीतक प्रणाली में। इसमें ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन देखिए, इन एन आइडल ब्रेटन रेफ्रिजरेशन साइकिल द रेफ्रिजरेंट, ऑप्शन क्या है, रिमेन एज अ लिक्विड थ्रू आउट, नहीं रिमेन एज अ गैस थ्रू आउट, हां यही होगा, बी होगा। गैसियस फेज ये होता है, चेंज फेज फ्रॉम लिक्विड इनिशियल टू गैस, नहीं चेंज फ्रॉम गैस, नहीं। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पूरे चक्र में क्या होगा, गैस का ही मतलब इसमें यूज होता है अगर प्रतीतक के तौर पे। ठीक, फिर 106वां जो क्वेश्चन है, 106वां क्वेश्चन देखिए, 106वां क्या कह रहा है, जिस दर पर शीतलन हेतु आंतरिक स्थान से एक चक्र में ऊष्मा अवशोषित होती है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, सीधी सी बात, प्रशीतन प्रभाव कहलाता है। क्वेश्चन क्या दिया है, द रेट एट विच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन अ साइकिल फ्रॉम द द इंटीरियर स्पेस टू बी कूल्ड इज कॉल्ड, मतलब कोई रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर जो है जो ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, उस साइकिल ऊष्मा का अवशोषण एक ही जगह किया जाता है वास्तविक में, तो ये जो ऊष्मा का अवशोषण है जिसके अंदर का वातावरण ठंडा बना रहता है, इसको क्या कहते हैं, इसको प्रशीतन प्रभाव कहते हैं, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए। अब 107वां क्वेश्चन है, एक घरेलू प्रतीतक में इनमें इसके द्वारा प्रशीतन प्राप्त किया जाता है, तो घरेलू प्रशीतन में किसके द्वारा प्रशीतन प्राप्त किया जाता है, देखिए यहाँ सीधे से ये होगा, वास्तविक के ही द्वारा तो आप प्रशीतन प्रभाव प्राप्त करते करते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक सौ आठवां देखिए क्या दिया हुआ है, अब कह रहा है कि वायु प्रतीतक चक्र का उपयोग हवाई जहाज में किया जाता है क्योंकि, अब क्योंकि बताइए भाई, ऑप्शन दिया है इसका, प्रतीतन प्रतीतन का वजन कम होता है, अच्छा यह वायु का प्रयोग करता है, जो वायु का उच्च सीओपी होता, नहीं एयर रेफ्रिजरेटर सिस्टम का तो सीओपी कम होता है, यह सस्ता होता है। अब इसमें बेटर ऑप्शन आपका ऑप्शन ए, इट्स वेट पर टन ऑन अ रेफ्रिजरेशन इज लो, इसका प्रतिदिन प्रतिदिन का वजन कम होता है जिसके कारण इसकी सीओपी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन ए ज्यादा सही लग रहा है, सी तो बिल्कुल गलत है,
ठीक है, सस्ता होता है ये सही है, लेकिन सस्ता की वजह से हर काम पूरी ना करते हैं, ये कहीं पूरी ना करते, तो ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। अब कह रहा प्रति टन जो है इसके जो उसमें स्थानांतरण करने की जो क्षमता होती है, जिसको हम रेफ्रिजरेशन का यूनिट कहते हैं, टन से डिफाइन करते हैं, वो क्या होगा? कम। तो जब प्रशीतन प्रभाव कम होगा तो सीओपी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि यह रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो सीओपी होता है वो पीसी साइकिल के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। फिर उसके बाद 109 देखिए, क्या रहा? जब प्रशीतन प्रणाली में विसर्जन दाब, जब प्रशीतन प्रणाली में विसर्जन दाब बहुत अधिक हो, when the discharge height is too high, the when the discharge pressure is too high in refrigerator fire, this high pressure control stop to stop the cooling time. Pressure control of the problem is the finale. Servant bahut adhik ये क्वेश्चन आपको समझ में तब आएगा जब आप इसका चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। जैसे चारों ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सी कलर पंखे जल प्रवाह पंप को बंद करकर ठंडे जल के बहाव में इंजन उधर। जैसे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना कि जब प्रशीतन प्रणाली में विसर्जन दाब बहुत अधिक होता है, तो विसर्जन दाब अधिक कहाँ पे हुआ? जब कंप्रेस, जब हम रेफ्रिजरेशन क्या करेंगे, रेफ्रिजरेंट प्रतिकर को कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने के बाद उसका दाब और ताप दोनों क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे दिया है जब प्रतिकर प्रणाली में विसर्जन दाब बहुत अधिक होता है तब उच्च दाब नियंत्रण क्यों स्थापित किया जाता है, तब जो है इसके ऊपर नियंत्रण हम क्यों स्थापित करते हैं और कैसे या क्यों नहीं होना चाहिए, तब उच्च दाब नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाना चाहिए, क्या क्योंकि जगह कैसे होना चाहिए, क्योंकि चारों ऑप्शन जो है वही दिया हुआ है। तो किस प्रकार अब हम उच्च दाब को नियंत्रित करेंगे? ऑप्शन क्या दिया हुआ? दिया शीतलन पंखे को रोककर नहीं, जल प्रवाह पंप को बंद करके नहीं, ये भी गलत। फिर ठंडे जल के बहाव को नियंत्रित करके नियमित करके, ये भी गलत। लास्ट जो ऑप्शन है आपका संपीडक को बंद कर, भाई थोड़ी देर के लिए संपीडक बंद कर दो, अपने आप दाब क्या हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। अब क्या दिया हुआ है 110वां, यहाँ पे इसका हिंदी बदल, देखिए 110वां क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से कथन सही? अब ये आपको दिख रहा है कौन से कथन सही, ये चार कथन दिया हुआ, सभी सामान्य प्रशीतकों में आंशिक रूप से सीओपी तथा आवश्यक शक्ति लगभग बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, दिया हुआ है सभी समान प्रशीतकों में आंशिक रूप से सीओपी तथा आवश्यक शक्ति लगभग बराबर होती है। दूसरा है अमोनिया स्वतंत्र रूप से स्नेहक तेलों में मिल जाती है और यह संपीड़कों के स्नेहन में सहायता करती है। हर्मेटिक सील्ड संपीड़क इकाई ने प्रशीतक की डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य महत्वपूर्ण गुणधर्म होता है। अमोनिया का
रिसाव की जांच हैलाइड नाश विधि से की जाती है। देखो इसमें पहला तो सही है कि सभी सामान्य प्रतिहतकों में आंशिक रूप से जो है सीओपी तथा आवश्यक शक्ति लगभग बराबर होता है, ये तो सही है। लेकिन बाकी जो है सेकंड थर्ड फोर्थ में क्लियर हो रहा है ऑप्शन में, इसका क्या होगा देखते हैं। दिया हुआ है यानी पहला और तीसरा सही है। तीसरा क्या कह रहा है, डाइलेक्ट्रिक मैग्नेटिक चलिए अच्छा इसको देख लीजिएगा ठीक है। अब इसमें जो है थोड़ा सा आपका जो है सबफीडर के बारे में मतलब जो टाइप्स ऑफ सबफीडर दिया है हर्मेटिक स्वीट सबफीडर, अब इसके में जो डाइलेक्ट्रिक जो वो होते हैं कनेक्शन होता है उसका सामर्थ्य जो है महत्वपूर्ण जो है ये उसके बारे में दिया हुआ है ठीक है। एक सौ बारहवा देखिए, एक सौ बारहवा क्या कह रहा है, बेल कोलमैन साइकिल। तो ये तो आसान है, बेल कोलमैन साइकिल जो है किस पे काम करता है, रिवर्स क्रोटॉन साइकिल पे। रिवर्स में क्रोटॉन नहीं है तो यहाँ पर चाहिए ये दिया हुआ है, जैसे रिवर्स क्रोटॉन नहीं है रिवर्स जूल साइकिल, इसमें ऑप्शन क्या होगा, डी वाला सही होगा ठीक है। रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल पे काम करता है, अगर कोलमैन साइकिल हमारा तो यहाँ वो न दे करके ब्रेटॉन साइकिल न दे करके रिवर्स ड्यूल साइकिल लिखा हुआ है, तो ये रिवर्स ड्यूल साइकिल काम करता है ठीक है। इसी को ब्रेटॉन साइकिल। अब उसके बाद तेरहवा क्वेश्चन है, एक सौ तेरहवा क्वेश्चन, संघनित तथा वाष्पीकरण की नदियां क्रियान प्रशीतन संयंत्र में किस धातु की बनाई जाती है। सिंपल है, अधिकतर जो है ये जो ट्यूब्स होते हैं इसमें रेफ्रिजरेशन प्रणाली में वो कॉपर की बनाई जाती है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कॉपर तांबा। फिर उसके बाद चौदहवा क्वेश्चन है, चौदहवा युक्ति है, केशिका नली निम्नलिखित में एक प्रसार युक्ति की तरह प्रयोग की जाती है। तो सही बात है, प्रसार युक्त केशिका नली है ना, तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट में। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, ए घरेलू प्रशीतन में सही, जल शीतलकों में ये भी सही है, ये तब डी होगा, ऑल ऑफ दीज कक्ष वातानुकूलन। तो इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ दीज सभी में तो इसका उपयोग किया जाता है केशिका नली का, तो ये क्या होगा डी। फिर उसके बाद 115वां क्या कह रहा है, पेयजल वाले कूलर के निर्माण में जल को शीतलन करने वाला सर्किट सामान्यतः होता है। क्या दिया हुआ है आपसे, तीन प्रकार का पानी करती चारों इसका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, मेड विद द रेफ्रिजरेंट वॉइड बाउंडेड आउटसाइड ऑफ वाटर स्टोरेज, यही होगा सी इसका ऑप्शन होगा। और डी क्या कह रहा है, आप कोल और डी बताना है,
यही होगा सी ऑप्शन इसका होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, 115वां क्वेश्चन, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, 115वां क्वेश्चन अच्छा दिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है इसका दिया हुआ था, अभी तक जो आपने पढ़ा है क्या कहते हैं बीसीसीआई की और एयर टाइप की, एयर रेफ्रिजरेंट टाइप की, इसका जो है कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन दिए, इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होगा। अब इसके बाद जो है ये जो दूसरा मेरे पास है बीसी साइकिल और रबर एब्जॉर्प्शन साइकिल का, ये दूसरा पार्ट है, इसका ही मुझे करीब 8-10 पेज का है, तो इसका मैं पीडीएफ बना करके भेज दूंगा, बस अब यही मेरा बचा हुआ, बाकी साइकोमेट्रिक का मैंने कर दिया। ठीक है, तो करीब 8-10 पेज का उसको मैं भेज दूंगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, अगर किसी को देखो अब यहाँ पे सारे लोग अब ध्यान से सुनिए, ये तो जो नर्कर सॉरी जो अभी तक पढ़ा दिया है यूट्यूब पे वीडियो है, आपको जो टॉपिक न समझ में आया साइकोमेट्रिक तो मैं कहूँगा देख लीजिए जिन्होंने क्लास नहीं किया प्रॉपर भी, उसके बाद यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, उसके बाद जिनके पास बुक है वो पढ़ते रहिए, और ये जितना भी ऑब्जेक्टिव मैंने पीडीएफ भेजा अभी तक 3-4 जो भी भेजा हूँ, ठीक है, उसको जरूर भेजना। आप सब काम क्या कीजिए, उसको पार्ट पार्ट में जाके किसी भी शॉप से जो है कैफे वाले साइबर कैफे पे जाइए, उसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है, जो भी आपका जो है 30-40 रुपए वाले खर्च होगा, लेकिन उसको क्या कीजिए पूरा अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। अगर ये करीब जो भी 60-70-100 क्वेश्चन जो भी है आपके पास ऑब्जेक्टिव, अगर इससे आप पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप जो आराम से पास होने का था तो कर ही लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आइडिया नहीं होगा, जैसे थ्योरी कितना भी आप पढ़ लें ऑब्जेक्टिव को जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो वो थ्योरी का कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है, तो इस वजह से समझदारी यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जो क्वेश्चन ना क्लियर हो वो अब क्लास लगभग खत्म ही है। ठीक है, अब यही मान के चलो 1-2 दिन में ये जो पीडीएफ बना दूंगा आज वाला 8-10 दिन का, उसका जो पार्ट पार्ट में करके 1-2 लेक्चर में उसका भी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवा दूंगा तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका काम है कि जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो पूछिए, और क्या नाम है अगर न्यूमेरिकल आप लगा रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल इतना जान लो न्यूमेरिकल बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, सारे न्यूमेरिकल छोटे छोटे ही करके आएंगे, ठीक है, फॉर्मूले में। तो अब जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसमें देखो साइकोमेट्रिक के न्यूमेरिकल में तो ज्यादा ना पड़ी, ठीक है, उसमें बस फॉर्मूले बेसिस वाले जो न्यूमेरिकल होंगे उसको टच कीजिएगा, ग्राफ वाले न्यूमेरिकल को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ग्राफ वाला न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में आएगा नहीं, जो फॉर्मूले बेस है चाहे वो साइकोमेट्रिक हो चाहे बीसी साइकिल हो चाहे एयर एब्जॉर्प्शन साइकिल हो चाहे एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल हो, ठीक है, इसमें से क्या है जितने भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है उसी को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो रेफ्रिजरेंट का नॉमिनेशन मैंने बताया था उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, तो इतना जब आप कर लेंगे ना तो इतना सफिशियंट है, क्योंकि आरईसी का सिलेबस बहुत लेंथी नहीं है, घूम फिर यही 4-5 चैप्टर्स हैं और इसी में से क्वेश्चन बनने हैं। अब जैसे कोई बहुत थर्मोडायनेमिक्स होता तो सबको हालत ही खराब हो जाता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आपको बहुत लेंथी है, उसमें से तो मतलब एक ही चैप्टर से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन आरएसी में यही है कि जो भी 4-5 चैप्टर है अलग अलग सबका जो है आप जो है आप देख रहे हैं साइकोमेट्रिक बिल्कुल अलग है, उसको आप पढ़ लीजिए तो आपका 8-10-15 जो भी क्वेश्चन आना होगा वो फिक्स हो जाएगा, उसी तरह बीसी साइकिल है आपका डीए साइकिल है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है यही ना 4-5 टॉपिक है, रेफ्रिजरेंट का नॉमिनेचर है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी है, तो इसमें से बस टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे तो आपका जो ऑटोमेटिक जो है मतलब 4-5 दिन में आपका वैसे तैयार हो जाएगा सारा, एक एक दिन एक एक टॉपिक भी पढ़ोगे तब पर भी 4-5 दिन तैयार हो जाएगा, ठीक है, तो बस यही है। अब कल रहेगा प्रियांशु एक काम कीजिए अटेंडेंस दे दीजिए, ठीक है, टोटल 12 लोग हैं इस समय।